Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara. गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में. माता रानी खुश हैं, देव सुख पक्ष प्रभु. गुरुदेव मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी ग्रहों के ही बारे में जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर पूर्ण रूप से रहता है. आज मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी मंगल ग्रह के बारे में. काफी बड़ा ग्रह होता है जिसके बारे में आप बहुत कुछ बताते हैं जन्म कुंडली का आकलन करते हुए. क्या क्या प्रभाव वो बुरे दे सकता है, उसकी वजह से क्या क्या परेशानियां इंसान को झेलनी पड़ सकती हैं? मंगल दो तरह से बुरा करता रहता है जी. अच्छे की तो खैर क्या बात करनी है जी. मंगल जब इसका प्रभाव अपने जीवन पे ज्यादा होता है, या तो इंसान बेहद गुस्से वाला जी, तोड़फोड़ करने वाला, बार बार एक्सीडेंट होना या लड़ाई झगड़े के अंदर सर फटा या शरीर में से खून निकलना, इस तरह के हालात देता है जी. और साथ में ही घर के अंदर कोई भी मंगल कार्य ना हो पाना, शादियों का डिले होना, समय के और साथ में ही हर किसी में कमी निकालना जी, ये मंगल की खराबी है. जब मंगल ज्यादा खराबी के ऊपर होता है, जितने भी लोग सिर्फ आधी जिंदगी इस भटकाव में ही गुजार देते हैं कि उनके घर पे कोई भूत प्रेत का साया है, उनके ऊपर किसी ने कुछ किया है और हमारे पड़ोसी ने या रिश्तेदार ने कुछ किया है, लेकिन पूरे जगह भटकने के बावजूद भी जिन लोगों का इलाज नहीं हो पाता, इन सबका मंगल ही खराब होता है जी. और मंगल की खराबी जब जीवन में आती है बेटा जी, तो इंसान मेहनत बहुत करता है और दिन रात मेहनत करता है, हर कोशिश हर प्रयास के लिए कभी पीछे नहीं हटता, लेकिन उसके बावजूद उनके पेट के अंदर तकलीफें आना, आंखों में तकलीफें आना, नर औलाद को पैदा करने की क्षमता का कमजोर होना, मियां बीवी के निजी सुखों में पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन का लेवल ना आ पाना जी, ये जितनी समस्या है ये सारी मंगल खराब की समस्या है. इसके बाद में दूसरी तरह का मंगल होता है जी, कि जिनका मंगल अच्छा होके खराब होता है. और वो क्या होता है बेटा, ऐसे में इंसान हर किसी का मन रखने वाला होता है, किसी को भी मुंह पे तोड़ के कुछ नहीं बोलता, बोलता है कहीं बार बोल दे, लेकिन अपनों के आगे हमेशा ही झुका रहता है जी. उसके जितने भाई वगैरह होते हैं वो या तो अपनी लाइफ में सेट नहीं होते, अगर वो लाइफ में सेट भी हों तो उनके द्वारा किए हुए नुकसान की भरपाई इस भाई को करनी पड़ती है जिसके मंगल खराब है, अच्छा होते हुए भी. फिर दूसरा, ऐसे इंसान के साथ जितने लोग काम करते हैं वो सब अपना अपना फायदा सोचते हैं, लेकिन ये सबका फायदा सोचता है, और लेकिन जब इसके फायदे की बारी आती है तो सब अपना अपना बोरिया बिस्सा लेके अलग से निकल लेते हैं और इसको फंसा जाते हैं. इसी तरह के लोग दुनिया के अंदर भला करते करते भी, दूसरों पे विश्वास करते करते भी, दूसरों के द्वारा दी हुई मुसीबतों को आज भी झेल रहे हैं. ये दो तरह का मंगल खराब होता है बेटा. और ये जो मंगल खराब होते हैं, दूसरी साइड का जो मैंने अभी दूसरा बताया, ये लोग तो फिर भी जिंदगी के अंदर काफी सुख भोग भी लेते हैं, लेकिन पहले वाले तो बेचारे मजदूर की जिंदगी गुजारते हैं, कलेशों में ही जिंदगी गुजरती है, घर के अंदर भी आए दिन कलेश और बीमारी उनके बने ही रहते हैं, तो उनका मंगल ज्यादा खराब है. पहले जिनको मैंने कहा है कि भूत प्रेत जिनको लगता है कि हमारे घरों में है या ऑफिस आया या किसी ने कुछ करवा दिया है, जिनमें गुस्सा बहुत आता है, जिनको बीमारियां घर में रहती है, उनके लिए उपाय, वो उपाय है बेटा 43 मंगलवार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौओं को डालनी है, यानी कि गुड़ की चाशनी बना के उसमें आटा गूंद के 8 ही पेड़े बनाने, फालतू नहीं बनाने. इन लोगों को हर सोमवार को 400 ग्राम चावल दूध के साथ धोकर के जल प्रवाह भी करना चाहिए, और इनके घर के जितने मेंबर हैं उन सबको 3 धातु का छल्ला सोना तांबा चांदी मिला के 1-1 ग्राम रिंग फिंगर के अंदर ये धारण करना चाहिए, ठीक है. और घर पे गुलाब के पेड़, नीम और अनार का पेड़ कभी भूल के नहीं लगाना चाहिए, अगर ये लग गया तो बहुत ज्यादा खराब किए रहेंगे. फिर दूसरी तरह का, जिनका मैंने कहा है कि जिनके भाई और यार दोस्त ही नुकसान देते हैं लेकिन वो जिंदगी के अंदर उठते जरूर है, इन लोगों को क्या करना चाहिए, हर महीने कोई चैरिटी डॉक्टर करता हो कि डॉक्टर फ्री में मरीजों को देखता हो और दवाइयां भी देता हो लेके, या चैरिटी हॉस्पिटल वगैरह बहुत सारे हैं जहां डॉक्टर फ्री में देखते हैं उनको दे, यहां जाके डॉक्टर को कहे कि हमें बताइए कि आप कौन सी दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ती है, उनसे वो लिस्ट ला करके हर महीने उनको कोई ना कोई दवाई पहुंचाते रहना, ठीक है. ये उपाय होंगे तो ये बुरा मंगल कभी भी बुरा नहीं कर पाएगा.
ठीक है, कोई शक नहीं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो